हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट बनने वाली चटपटी टेस्टी मसाला वाली मिर्ची। जो ये मसाला वाली मिर्ची है ना, रोटी सब्जी के साथ खाने में रियली बहुत अच्छी लगती है। तो मसालेदार मिर्ची बनाने के लिए मैंने घर के गार्डन में मिर्ची डाली थी ना, तो उसमें ढेर सारी मिर्ची लगी ही। आप देख सकते हो मिर्ची की साइज भी बड़ी है और हरी टाइप की ये मिर्ची है, और ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है ना, तो खाने में भी ये अच्छी लगती है। तो हम गार्डन में से मिर्ची को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर के गार्डन में से अलग अलग टाइप की मिर्ची ले लिया है। एक ग्रीन वाली है, एक लाइट येलो जैसी है और रेड वाली है। तीनों टाइप की मिर्ची मैंने ले लिया है। तो चलिए, मसालेदार मिर्ची बनाने के लिए जितनी मुझे मिर्ची कट करना है ना, उतनी मैंने धो लिया है। धोने के बाद मैं ये मिर्ची को पोंछ लेती हूँ, ताकि जब भी हम मिर्ची को फ्राई करें ना, तो पानी वाली मिर्ची होती है ना, तो तेल का छाटा हाथ में लग सकता है। तो सबसे पहले ये मिर्ची को पोंछ लेना है, उसके बाद हम मिर्ची को कट लगाएंगे। तो ये मिर्ची को कट करने के लिए आप छोटे छोटे पीसीस में भी कट कर सकते हो, पतली लंबी चीटियों में भी कट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको जैसे रखना है वैसे आप ये मिर्ची को कट कर सकते हो। तो हम इस तरह से पतली लंबी चीटियों में मिर्ची को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जितनी मसाला मिर्ची बनाना था ना, उतनी मैंने कट कर लिया है। तो चलिए, ये मिर्ची को हम सौते कर लेते हैं। तो सौते करने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल। तेल गर्म हो जाए ना, उसके बाद ही मिर्ची डालना है। तो एकदम तेल है ना हाई रखना है, ताकि फटाफट आपकी मिर्ची फ्राई हो जाए। कच्चा तेल रखेंगे ना, तो मिर्ची उतनी फ्राई नहीं होगी, मतलब मिर्ची के ऊपर जो व्हाइट स्किन हो जाती है ना, वो नहीं होगी। तो इसलिए तेल हाई रखना है। तो अभी हम मिर्ची को अच्छे से सौते करेंगे। तो मिर्ची हमारी अच्छे से सोते हो गई है। अभी हम मिर्ची के ऊपर डालेंगे नॉर्मल सा मसाला। तो सबसे पहले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल के उसके बाद डालेंगे हल्की सी रेड चिली पाउडर, उसके बाद डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, उसके बाद डालेंगे हींग, उसके बाद डालेंगे खटाश के लिए आमचूर पाउडर। बस एकदम सादा सिंपल सा मसाला मैंने डाला है, लेकिन इस तरह से मसाला मिर्ची बनाएंगे ना, तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी और झटपट ये मसाले वाली मिर्ची बन जाती है। तो मसाला डाल के अच्छे से हम मिर्ची को सौते करेंगे।
तो कढ़ी खिचड़ी के साथ, रोटी सब्जी के साथ, दाल चावल के साथ, सबके साथ ये मिर्ची है ना बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।